एवरीवन, वेलकम टू ईसीएल शेफाली प्राइवेट आईटीआई। मेरा नाम सौरभ प्रधान, मैं ओल्डर का एक इंस्ट्रक्टर है। तो आज हम लोग देख लेंगे स्ट्रेट लाइन कैसे होता है आर्क वेल्डिंग करने के लिए। तो आर्क वेल्डिंग करते वक्त जो हम लोग जो स्ट्रेट लाइन करते हैं, तो वो हम आज प्रैक्टिकली करके आप लोगों को दिखाना चाहता है। तो आइए देखते हैं कैसे करते हैं वो जो स्ट्रेट लाइन जो है होता है। तो एक्चुअली हम लोग जब वेल्डिंग करते वक्त हम लोगों को कुछ सेफ्टी प्रिकॉशन मान के चलना होता है। जैसे हम लोगों को लेदर एप्रन पहनना है, फुल हाथ शर्ट पहनना है और लेदर ग्लव्स पहनना है। तो हम लेदर ग्लव्स पहन लेता हूँ। उसके बाद रहा लेदर ग्लव्स, तो ये रहा मटेरियल्स। तो मटेरियल्स के ऊपर हम एक दाग काट के रखा हुआ है। तो ये जो मटेरियल जो है, इसके ऊपर हम स्ट्रेट लाइन करके आप लोगों को दिखाते हैं। तो ये रहा आर्क वेल्डिंग मशीन, पोर्टेबल आर्क वेल्डिंग मशीन। तो इसका एम्पियर हम करके रखा है 90। तो ये रहा पोर्टेबल आर्क वेल्डिंग मशीन, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर वो आर्क वेल्डिंग मशीन भी होता है और पोर्टेबल आर्क वेल्डिंग मशीन होता है। तो ये जो होता है, ये जो है एम्पियर और ये रहा रेगुलेटर, ठीक है। तो आइए हम वेल्डिंग करके आप लोगों को दिखाते हैं।
तो ये रहा मेरा स्ट्रेट लाइन, इसके बाद ये है चिपिंग हैमर, और ये रहा टोंग जो होता है कि हॉट मटेरियल्स को गरम का गरम जो मटेरियल्स जो होता है उसको पकड़ने के लिए ये जो टोंग जो है इसको हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और ये रहा गॉगल्स, तो गॉगल्स पहन के इसको चिपिंग करना है, तो हम चिपिंग करके इसको दिखाता हूँ कैसे इसको चिपिंग करना है। देखिए इस प्रकार इसको चिपिंग करके इसका जो स्लैग जो होता है स्लैग को इसको स्लैग को इसको हटाना होगा। देखिए ये रहा स्ट्रेट लाइन, ये रहा वेल्डिंग, वेल्डिंग करने के बाद ये रहा स्ट्रेट लाइन, तो इस तरीक़ा से स्ट्रेट लाइन करना होगा हम लोगों को। तो आज का वीडियो यही तक, नमस्कार, धन्यवाद।